हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे डेफकोट 6mg 6mg टैबलेट के बारे में। इस डेफकोट टैबलेट की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, जैसे कि इस डेफकोट टैबलेट के अंदर कौन सी दवाई होती है, कौन सा साल्ट इसमें होता है, दवा इसको कौन सी कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया, बनाया गया है, कितने रुपए में ये मिल जाती है और इसकी कितने टैबलेटों की पैकिंग आती है, कितने टैबलेटों का इसका स्टिप आता है, क्या इसके यूज रहते हैं, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट रहते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको इस टैबलेट से रिलेटेड देंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो डेफकोट टैबलेट, डेफकोट के अंदर जो साल्ट होता है, जो कॉम्पोजिशन होता है दोस्तों, वो होता है डेफ्लाजाकोर्ट 6mg में 6mg में। और डेफ्लाजाकोर्ट जो बिलोंग करता है वो स्टेरॉइड कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगर दोस्तों आपको स्टेरॉइड की कैटेगरी पर वीडियो देखनी है तो हमने इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना रखी है कि कितने टाइप के स्टेरॉइड दवाइयाँ होती हैं, कौन सी कैटेगरी कौन से स्टेरॉइड में आती है, पूरी जानकारी हमने उस वीडियो में दी है। तो आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी होती है। तो इसको जो मैन्युफैक्चर किया है, इसको जो बनाया है, वो मैक्लोइड फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसको बनाया है। और इसकी प्राइस की बात करें दोस्तों, तो ये 124 रुपये में आपको मिल जाएगी। इसकी पैकिंग जो होती है वो 10 टैबलेटों की स्ट्रिप आती है, 10 टैबलेटों की स्ट्रिप 124 रुपये में आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों बढ़ते हैं इसकी यूज़ की तरफ, इसके इस्तेमाल की तरफ। तो इसका जो इस्तेमाल होता है, इसका जो यूज़ होता है वो होता है इन्फ्लामेशन या सूजन को ख़त्म करने में। शरीर में कहीं भी सूजन है, कहीं भी इन्फ्लामेशन है, तो उसको ख़त्म करने में इस दवा का इस्तेमाल होता है दोस्तों। जैसे कि आपके ITI स्वेलिंग, मतलब रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट का जो इन्फेक्शन होता है, फेफड़ों का जो इन्फेक्शन होता है वो रेस्पायरेटरी वाला, तो उसमें कहीं भी आपके इन्फेक्शन है जिसकी वजह से उस पर स्वेलिंग आ गई है, सूजन आ गई है, जैसे कि देखा गया अस्थमा में या फिर ट्यूबरक्लोसिस में या फिर कोई और ऑटोइम्यून डिसीज होती है, तो उसमें स्वेलिंग आ जाती है फेफड़ों के ऊपर, लंग्स के ऊपर, उस कंडीशन में इस टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा दिया जाता है स्वेलिंग को, सूजन को कम करने के लिए, तो ठीक कर देता है। इसके अलावा जो इसका यूज होता है दोस्तों, वो होता है एलर्जिक रिएक्शन में। एलर्जिक रिएक्शन ये तो आपको एलर्जी की वजह से जुकाम है, आपकी नाक बह रही है बार बार, या फिर आपके खांसी के थ्रोट में कोई इन्फेक्शन है, कोई एलर्जन के कारण, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को दिया जाता है आपके डॉक्टर द्वारा, अगर ठीक कर देता है। इसके अलावा जो इसका यूज होता है दोस्तों, वो होता है स्किन एलर्जी में। मतलब स्किन जो होती है आपकी चमड़ी, उस पर किसी भी प्रकार का कोई एलर्जी हो रही है, इचिंग हो रही है, खुजाट हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जा सकता है आपके डॉक्टर द्वारा। इसके अलावा भी इसका दोस्तों यूज होता है, वो होता है किडनी स्वेलिंग में या फिर लीवर स्वेलिंग में, तो इनमें भी इसका यूज होता है दोस्तों। मेन जो इसका यूज होता है वो सूजन को कम करने में होता है। इसके अलावा चोट के कारण कोई सूजन आ गई है तो भी इस दवा को दिया जाता है आपके डॉक्टर द्वारा, तो इसको भी ठीक कर देता है। तो ये दोस्तों हमने इसके यूज बताए, अब बताते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो आप साइड इफेक्ट भी इसके जाने, अगर आप साइड इफेक्ट नहीं जानेंगे तो आप आधी अधूरी नॉलेज ले पाएंगे इस दवा के बारे में। तो इसके जो साइड इफेक्ट आते हैं, आपको भूख ज्यादा लगने लगेगी, भूख बढ़ जाएगी आपकी इस दवा को लेने के बाद, वजन बढ़ने लगेगा आपका, या फिर जल्दी जल्दी पेशाब जो है वो आने लगेगा, फिर एबनॉर्मल तरीके से हेयर ग्रोथ होने लगेगी, मतलब हेयर जो बाल जो होते हैं उनकी ग्रोथ होने लगेगी, मोटापा बढ़ सकता है, थकावट महसूस होने लगेगी, या फिर BP भी बढ़ सकता है इस दवा को लेने के बाद। तो ये अगर आपको साइड इफेक्ट आते हैं तो आप उससे समझ सकते हैं कि आपको ये दवा सूट नहीं कर रही है, और आप अपने डॉक्टर को बताएं कि आपको ये साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं, जिससे कि वो और इसको चेंज करके दूसरी कोई दवा दे सकें। तो ये दोस्तों इसके साइड इफेक्ट है। अब बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, मतलब इसकी सावधानियों की, किन किन बातों को ध्यान में रखें अगर आप इस दवा को लेते हैं। तो प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में इसको ना लें, यानी कि कोई महिला है जिनको प्रेगनेंसी है या फिर वो अपने बच्चों को दूध पिला दिए तो वो इस दवा को ना लें, या फिर थायराइड है या डायबिटीज का कोई पेशेंट है, या फिर इन चीज़ों में अगर लेता भी हो कोई व्यक्ति तो वो अपने डॉक्टर की सलाह ले, बिना डॉक्टर की सलाह के इस दवा को ना ले। तो दोस्तों ये इसके कुछ बातें थी जो आपको ध्यान में रखना जरूरी थी। अब बात करते हैं इसकी डोज की। तो इसकी जो डोज है वो पेशेंट की एज, वेट, सीवियरिटी, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो आप खुद से कोई भी दवा ना ले दोस्तों, हमारा जो पर्पस है वो आपको सिर्फ इस दवा के बारे में नॉलेज देना है, खुद से आप कोई भी दवा ना लें। तो इसकी जो नॉर्मल डोज रहती है, चाइल्ड की जो डोज रहती है, बच्चों की जो डोज रहती है, वो 0.25 यानी 0.25 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। मतलब 1 किलो पे 0.25 mg पर kg के हिसाब से इसको दे सकते हैं। और एडल्ट की जो डोज रहती है इसकी, 6mg की जो टैबलेट आती है 6mg की डेफकोट, तो उसको TDS तक दे सकते हैं। इसकी हायर जो डोज होती है, ज्यादा से ज्यादा 120 mg तक
पूरे दिन में दिया जा सकता है। तो ये दोस्तों हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है इस टैबलेट के बारे में। आई होप आपको इस टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। हमने काफी शॉर्ट में और काफी इजी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करी है। तो दोस्तों ऐसे ही हम इस चैनल पर दवाई से रिलेटेड जानकारी देते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस दवा के बारे में पूरी नॉलेज मिल सके हमारी इस वीडियो से। तो चलिए दोस्तों कल मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ।